फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पद के बारे में, जहाँ से वैकेंसी आई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो डालूँ अपनी नई एम्प्लॉयमेंट से संबंधित या फिर कोई भी एग्ज़ाम अपडेट्स, तो आपको टाइम पर मिले। तो गाइस, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। यहाँ देख लीजिए आपकी मैनेजर, यहाँ पे देखिए कि मैनेजर फायर सर्विस आपका पोस्ट का नेम है, और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इसमें चाहिए वो आपका बीटेक होना चाहिए, और आपने बीई किया हुआ आपका कंप्लीट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल में, या फिर फायर इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो मैनेजर फायर सर्विस की पोस्ट है। प्लस इसके लिए एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपका 5 साल का जो है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चीज़ मैंडेटरी कि आपका इसमें फायर सर्विस में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें टोटल सीट आपकी 11 है। वहीं मैं अगर बात करता हूँ मैनेजर टेक्निकल के बारे में, तो उसमें भी सेम चीज़ है, बीए या फिर बीटेक आपका होना चाहिए ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल में, और प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, और इसमें आपका टोटल 2 सीट है। या फ्रेंड्स, अगर वही मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, या फिर अगर आपने बीएससी किया है मैथमेटिक्स अगर आपका एक सब्जेक्ट रहा है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और इसमें सीट भी काफ़ी अच्छी है। जनरल की आपकी देख लीजिए 264 है, ओबीसी 107 है, बाकी आप देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है। फिर यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कि जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस, तो ग्रेजुएट चाहिए इन साइंस में, एंड एमबीए ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन, और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, तो आपका बैचलर डिग्री चाहिए, और उसके बाद से अगर आपके पास एमबीए कंप्लीट है 2 साल का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इसका भी जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 83 है जनरल के लिए, 35 है ओबीसी के लिए, और बाकी आप देख सकते हैं। फिर वहीं अगर मैं बात करता हूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के बारे में, तो इसमें बीटेक या फिर बीई का आपका कंप्लीट होना चाहिए ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल में। कोई एसेंशियल एक्सपीरियंस इसमें नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है इसमें। इसमें भी आप वैकेंसीज देख सकते हैं कितनी टोटल वैकेंसी है। तो गाइस, इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी के वेबसाइट पर जाना है, और वहाँ पर आपको जाके अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो मैनेजर्स की जो जितनी पोस्ट है उसमें आपका जो एज है वो 32 साल होना चाहिए। अगर आपका 30/11 तक 32 कंप्लीट होता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 32 से ज़्यादा होगा तो नहीं कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव में आपका 27 पूरा होना चाहिए, 27 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपका 27 से ज़्यादा है तो नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर आप रिलैक्सेशन देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कितने किसको कितनी छूट दी गई है। यहाँ पे देख लीजिए अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाय 10 ईयर्स फॉर PWD, 5 ईयर्स फॉर SC/ST। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज़ को अलग अलग छूट दी गई हैं, तो वो भी आप देख के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट्स जो डेट्स हैं वो आप जान लीजिए क्या डेट्स हैं। ऑनलाइन आपका स्टार्ट होगा 15/12 से, और 4/1 तक जो है कि चलेगा। और आप ये देख लीजिए कि आपका जो अनाउंसमेंट होगा ना, वो जो इसका प्रॉपर वेबसाइट है www.aai.aero, उस पर आपका कोई भी डिक्लेरेशन होगा। यहाँ पे सैलरी की बात मैं करता हूँ, तो सैलरी आप देख लीजिए, सैलरी बहुत बेहतरीन है, 1,80,000 1,40,000 तक आपकी सैलरी है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।